कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ संदीप झा। हम इस वक्त बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर वार्ड खड्ढा कॉलोनी में हैं और हमारे साथ में एक मिथिला मैथिल के सुप्रसिद्ध कलाकार संजीव कश्यप जी हमारे साथ में हैं। आइए मिथिला मैथिली की संगीत के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं कि मिथिला मैथिली की जैसे कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में विभिन्न जगहों पर इस वक्त विद्यापति स्मृति पर्व समारोह का कार्यक्रम होता जा रहा है, तो मिथिला मैथिली की क्या है, आइए बात करते हैं संजीव कश्यप जी से। खबर रेडियो में आपका स्वागत है। बताएं मिथिला मैथिली की गीतों पे कितने लाइक करते हैं आप, क्या मिथिला मैथिली के गीत में पूर्वांचल वासियों में कितने रुझान है, मतलब मिथिला मैथिल से बिलोंग करते हैं, मिथिला को उजागर करने को ज्यादातर आपका चेष्टा रहता है? जी जी जी, वैसे गाना हम भोजपुरी में भी बहुत अच्छे गा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम फोकस रखते हैं मिथिला पे। तो अभी मेरा कई प्रोग्राम करके आया हूँ मैं, नेपाल में भी करके आया हूँ, दरभंगा में करके आया हूँ, मधेपुरा में, सहरसा में करके आया हूँ विद्यापति समारोह। मिथिला मैथिली की जैसे कि कौन कौन सी एल्बम चल रही है आपकी, कोई एल्बम बनाई है आपने? जी जी जी, कोई यूट्यूब पर आपका चैनल चला है, कोई कैसेट बनाया आपका? जी, मेरा एस के मूवीज चैनल से रिलीज हुआ है। एक तो मेरा वो गाना आपका किंदिया कन्या, उसके बाद आपका लागे धरती पर, वो उतरल से स्वर्ग पड़ी। तो मिथिला मैथिली के सबसे जो प्रसिद्ध गाने हैं आपके, वो कौन से गीत हैं आप, क्या दोनों सुनाएंगे आप? हाँ, जरूर सुनाएंगे। तो ठीक है, आप जो आपकी जो सबसे प्रसिद्ध गीतें हैं मिथिला मैथिली की, वो आप दोनों सुनाइए। हम तो कई जगह करके आए हैं, बताया आपको, नेपाल में भी करके आए थे,
दरभंगा में करके आए थे, उसके बाद आपको दरभंगा अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट प्रोग्राम कहाँ पर आपका? अभी मेरा कल ये आपका मयूर विहार फेस वन पॉकेट थ्री में कत्यानी ऑडिटोरियम है, उसमें मेरा कल प्रोग्राम है जो कि वो पूर्वांचल महोत्सव का है, द मिशन वाले करवा रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि सारे पूर्वांचल भाई से कि आप लोग सब आदमी आएँ और सादर आमंत्रित हैं, हम फेसबुक भी शेयर किए थे। हाँ, तो मैं हर एक पूर्वांचल भाई से भी हम यही आग्रह करेंगे कि आप लोग सब आदमी आइए और वहाँ का जो भी कार्यक्रम है उनका लुत्फ आनंद उठाएँ। हम वहाँ पर कल 2 बजे से 7 बजे तक रहेंगे। तो आपने देखा कि इन्होंने क्या कहा और इनकी जो आपने गीते जो मतलब मैथिली गीतों में कितनी मधुरता है जो जो इनकी मधुर जो मतलब इनकी वाणी से निकल रही थी, कितना अच्छा इन्होंने गाया है। और इनका हर एक स्टेटों में भी कार्यक्रम इनका चलता रहता है। और जैसे कि इन्होंने बताया है कि कल मयूर विहार, दिल्ली के मयूर विहार में पूर्वांचल महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें जिसके बैनर तले पूर्वांचल महोत्सव के बैनर तले भोजपुरी मैथिली अकादमी सारे कलाकार वहां पहुंचेंगे। और सूत्रों से जानकारी ये भी मिली कि वहां पे मुख्य अतिथि के तौर पे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी एवं नोएडा से सांसद व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, मेयर विपिन बिहारी एवं अन्य गण्यमान्य व्यक्ति वहां पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, इस बार हर खबर से।